हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। सो यहाँ पर आज हम बात करने वाले स्टूडियो के अंदर क्रूड ऑयल के जो 21 दिसंबर फ्यूचर्स है वो यहाँ पर करंटली, अगर मैं यहाँ पर करंटली मार्केट के बारे में बात करूँ तो क्रूड ऑयल के अंदर यहाँ पर अभी करंटली जो है डाउन ट्रेंड यहाँ पर मैं फॉलो होते देखने में, जिस तरह से नेचुरल गैस के अंदर एक अच्छी ऐसी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमें देखने मिली थी, बट यहाँ पर जो है क्रूड ऑयल के अंदर अपोजिट यहाँ पर हमें जो है सीनेरियो देखने को मिला है। दैट इज एक नॉर्मल ओपनिंग के बाद यहाँ पर जो है हमें डाउन ट्रेंड फॉलो होते हुए देखने को मिल रहा है और कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है हमें सेलिंग प्रेशर जो है यहाँ पर हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिलता है फॉर गोइंग शॉर्ट, दैट विल बी अराउंड, अगर यहाँ पे आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, दैट इज बिलो द प्राइस ऑफ 5635 के नीचे अगर यहाँ पर कैंडल जाती है तो मेरे आपसे शॉर्ट पोजिशन जो है यहाँ पर आप इजीली ले सकते हो। और उसके साथ साथ में अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क टेकर हो तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट कैंडल को निगलेक्ट करके अगर यहाँ पर देखूँ तो 5720 के प्राइस बैंड के ऊपर आप यहाँ पर जो है लॉन्ग पोजिशन लेने का सोच सकते हो, क्योंकि वो प्राइस पर जो है एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद जो रिस्क टेकर है वो यहाँ पर जो है लॉन्ग पोजिशन बनाने का सोच सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर सेफली एंटर करना चाहते हो मेरे तरफ से 5825 का प्राइस लेवल यहाँ पर आपको ब्रेक करने देना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर जो है हमें लॉन्ग पोजीशन का सोचना चाहिए। करंटली RSI काफी बैरिश मोमेंटम पे यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा, कोई बुलिशनेस यहाँ पर हमें देखने नहीं मिल रही, ऑल्दो 15 मिनट के टाइम कैंडल के हिसाब से अभी जो कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रही है थोड़ी बहुत बुलिश जरूर देखने को मिल रही है, बट फिर भी एक बुलिश मोमेंटम, डेट इज दो या तीन चार या जितनी बुलिश कैंडल्स होती है वो यहाँ पर अभी तक हमें फॉर्म होते हुए देखने को नहीं मिली है। और RSI जो है करंटली यहाँ पर जो है बैरिश नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पर अपसाइड का जो मोमेंटम है वो जरूर बता रहा है, बट यहाँ पर इतना खासा पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें एज ऑन द टाइम तक देखने को नहीं मिल रहा है। MHD ने अभी तक कोई नया इंडिकेशन नहीं दिया है, सो मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पर वेट कर सकते हैं शॉर्ट पोजिशन के लिए, ऑल दो रिस्क टेकर के लिए 5728 या फिर 5730 के ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल एज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द क्रूड ऑयल 21 दिसंबर फ्यूचर्स आपके लिए वीडियो मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।